आज इस वीडियो में बात करेंगे पेंडम प्लस प्लस के बारे में। इंडिया में ज़्यादातर लोग पेंडम प्लस प्लस इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गोरा होने के लिए करते हैं। उनके फेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ गोरा होने के चाहत से इस क्रीम का इस्तेमाल अपने फेस पर करते हैं, रेगुलर कर रहे हैं और वह खुश भी हैं और अपने फैमिली को भी सजेस्ट कर रहे हैं इस क्रीम को यूज़ करने के लिए और अपने रिलेटिव को भी। अब आपको इसके बारे में कुछ क्वेश्चन बता दूं, जैसे पेंडम प्लस प्लस क्रीम का यूज़ फेस पर कितना सेफ़ है, इस क्रीम को फेस पर लगाना चाहिए या नहीं, इसके साइड इफ़ेक्ट से आप कैसे बच सकते हैं, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इस सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। तो हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। हमारी यह पर्पज़ है कि आपको जानकारी दे, आपको नहीं पता है, अगर आप इस क्रीम को इस्तेमाल करने को सोच रहे हैं तो इसका फ़ायदा और नुकसान अच्छे से पता होनी चाहिए। पेंडम प्लस प्लस एक 15 ग्राम ट्यूब पैकेज में आता है जिसका MRP 97 है। ये क्रीम आप किसी भी लोकल मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। जब भी आप इस क्रीम को इस्तेमाल करने को सोच रहे हो तो उससे पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर ले, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है कंसल्ट करना। आप क्रीम के बॉक्स पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यह इंस्ट्रक्शन साफ लिखा है। अगर आप इस क्रीम को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वहाँ भी आपको की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो पहला है आपका क्लोबेट्सोल प्रोपियोनेट। शरीर में होने वाली एलर्जी जैसे खुजली, दाद, सूजन, रिडनेस से इस्तेमाल की जाती है। शरीर में इन केमिकल को रिलीज को रोकता है, इस केमिकल के रिलीज को यह रोकता है। उसके बाद है आपका इंग्रेडिएंट नियोमाइक, यह दूसरा इंग्रेडिएंट है। यह एक एंटीबायोटिक है जो स्किन में बैक्टीरिया को फैलने से रोकता है, यह बैक्टीरिया को फैलने से रोकता है। उसके बाद तीसरा है आपका माइकोनोजोल, माइकोनोजोल है ये तीसरा, आपको दिखाई दे रहा होगा माइकोनोजोल नाइट्रेट। यह एक एंटी फंगल है जो कि स्किन में फंगल इन्फेक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शरीर में होने वाली दाद, खुजली और सूजन, ये सब इस्तेमाल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो अब इससे इस्तेमाल हुए इंग्रेडिएंट से पता चल गया होगा कि ये कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है और ना ही स्किन लाइटिंग क्रीम है। यह शरीर से इन्फेक्शन और एलर्जी को कम करता है। अब हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो ये क्रीम कुछ दिनों से यूज़ कर रहे हैं और इसे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो छोड़ने वक्त जब इसको छोड़ने चाहते हैं तो उनके फेस पे काले काले धाबे होने लगते हैं, काले काले फेस पे बहुत प्रकार की इन्फेक्शन होने लगती है। तो आप इस क्रीम को कैसे छोड़ें, एक बाइक ही नहीं छोड़ देना है, इसको मैं बता रहा हूँ कि आपको इस क्रीम को कैसे छोड़ना है। आप अगर इस क्रीम को रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको दो दिन पे यूज़ कीजिए, दूसरे हफ्ते 3 दिन पे यूज़ कीजिए, अल्टरनेटिव इसको यूज़ करना है, यानी कि एक हफ्ता में 2 बार यूज़ कीजिए, उसके बाद 1 बार यूज़ कीजिए, ऐसे ऐसे करते करते आप एकदम छोड़ सकते हैं। उससे आपको इन्फेक्शन का भी चांस नहीं रहेगा कि आपको फेस पे इन्फेक्शन होगा, क्योंकि इसको अगर एक बाइक छोड़ते हैं तो आपके फेस पे साइड इफ़ेक्ट का भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसलिए आपको अल्टरनेट करके ही आपको इस क्रीम को छोड़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।